नारायण का वंदन कर, उनकी पद रज को नतमस्तक, नारायण की महिमा गाऊं, उनका अक्षर आशीष पाऊं। क्षीर सिंधु में रहने वाले सारे सृष्टि के रखवाले, लक्ष्मी के संग श्री नारायण, स्वीकारे मेरा अभिवादन। एक आसन में सोए भगवन, योग माया का करके चिंतन, योग नींद से जब प्रभु जागे, मन ही मन यह सोचन लागे। जाए कोई खेल रचाया, तुरत बुला ली अपनी माया, माया ने यूं खेल रचाया, झट अमृत ब्रह्मांड बनाया। नाभि से हरि ने कमल खिलाया, उस पर ब्रह्मा को प्रकटाया, फिर शरीर से मूर्ति प्रकट कर, नाम दिया उसको शिव शंकर। क्षीर सिंधु में जब एक बारा शयन किए थे जग का धारा, मधु के टव दौ दानव भारी, प्रकट हो गए अत्याचारी। ब्रह्मा जी की खानी खाए, ब्रह्मा जी ने हरि को जगाए, युद्ध किया श्री हरि ने भारी, मायन खल के बुद्ध बिहारी। दोनों का वध कर नारायण, ब्रह्मा जी को दिया संरक्षण, सृष्टि यथावत हुई जो सारी, योग लीन हो गए मुरारी। कालांतर में कुणी एक बारा, हिरणाक्ष ने दंभ पसारा, धरती को ले गया उठाकर, छुपा दिया पाताल मिलाकर। धरा की रक्षा को नारायण, बन बारह प्रकट हुए भगवन, हिरणाक्ष का वध प्रभु की ना, धरती को संरक्षण देना। इस प्रकार ब्रह्मांड की संरचना का विधान, तीन देव बन कर किया नारायण भगवान। कर उद्धार धरा का भगवन, यथा रूप सत्य है नारायण, फिर हुआ हिरणकश्यप बलधारी, दानव अत्याचारी। जिसके कुल प्रहलाद जी आए, परम भक्त श्री हरि कहाए, अत्याचार जो उस पर कीना, अवतार हरि ने लीना। नरसिंह बन कर भगवन आए, अपने भक्त के प्राण बचाए, महाप्रतापी बलि के कारण तब विस्थापित हुए देवजन। बल छलने का खेल रचाया, वामन रूप धरा सुर राया, भूमि तीन पग बलि से मांगी, दो पग में तब सृष्टि नापी, एक में धरती एक में अंबर, माप के हो गए खड़े विशंभर। बलि ने अपना शीश झुकाया, हरि ने उसका ताल पठाया, विप्र वर्ग का मान बढ़ाने, क्षत्रिय का अभिमान घटाने, नारायण कुणी धरा पे आए, परशुराम भगवान कहाए। इसी अवसर में राम से मिलकर लौटे अपने धाम देवेश्वर, त्रेता में हुआ रावण पापी, जिससे सारी सृष्टि कांपी। मुनि देवता संत जन सारे फिरने लगे थे मारे मारे, रावण पाप से धरती दुखारी, श्री हरि तक आई बेचारी। हरि ने उसको धैर्य बंधाया, बोले धरूंगा मानव काया, त्रेता में रावण के कारण मानव बन आए नारायण। दशरथ कौशल्य सुत बनकर प्रगटे अवध में श्री नारायण, राम नाम से ले अवतारा, श्री हरि ने रावण को मारा। नारद भिक्षु और विप्र के श्राप किए साकार,
मानव बनकर भूमि पर हरि ने लिया अवतार। राम राज धरती पर आया, तीन लोक में आनंद छाया, पाप ताप धरती के मिटा कर बसे प्रभु साके तुम जाकर। द्वापर में फिर कंस के कारण मानव रूप में प्रगटे भगवन, बाल काल में कंस को मारा, प्रभु ने धरा का भार उतारा। फिर धरती के दानव सारे कृष्ण के द्वारा गए संहार, नरलीला का करके समापन, यमलोकों में किया स्थापन। जब कली काल का हुआ पसारा, हुआ दूषित संसार जो सारा, सत्य धर्म जब लगे बिखरने, धरती माता लगे बिलखने, ले वो था अवतार नारायण, किया धर्म का पुनः स्थापन। जब जब सत्य धर्म अकुलाए, तब श्री नारायण आए। द्वापर में ही हुआ महाभारत, जिसमें रहा हर एक विकारक, अर्जुन को जब शिष्य बनाया, गीता का उपदेश सुनाया। भक्त संत जब देर लगावे, भगवन दौड़े दौड़े आवे, भक्त जनों के भाग्य जगाते, सारे कष्ट और पाप मिटाते। जो हर का यश निस दिन गाते, कोई कष्ट ना उन्हें सताते, जो हर का नित ध्यान लगाते, सारा सुख वैभव पा जाते। करुणा के आधार है भगवन, दया कृपा भंडार है भगवन, हरि चरणों में शीश झुकाओ, जो भी चाहो हरि से पाओ। नारायण की सेवा कर लो, लक्ष्मी कृपा से जीवन भर लो, जिन पर प्रभु प्रसन्न हो जाते, उन पर अपनी कृपा लुटाते। श्री हरि से सब जीव है, श्री हरि से संसार, एकमात्र श्री हरि प्रभु है सबका आधार। श्री हरि विष्णु भगवान की आज हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। पाप मिटाने विष्णु जी कई रूप में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की आज हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाप मिटाने हरि मेरे कई रूप में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सागर में एक दानव ने वेद पुराण डुबाए, वेद पुराण के डूबते ही छाने लगा अज्ञान, मत्स्य रूप में आके प्रभु जी वेद बचाए आप, मत्स्य अवतार में राजा सत्य व्रत के महल में आए। थोड़ी थोड़ी देर में उनका आकार भी बढ़ता जाए, राजमहल भी पड़ गया छोटा, जोड़े राजा हाथ, राजा सत्य व्रत बोले कि कौन है प्रभु जी आप। फिर रूप चतुर्भुज राजा सत्य व्रत को दिखाते हैं, प्रभु आप दिखाते हैं। जय हे
धरती पर परले आएगी, पूरी की पूरी सृष्टि अब बचना पाएगी। करो इकट्ठा सभी जीव और बीज है राजन तुम, बहुत बड़ी सी नाव तुमको भेज देंगे हम। उसी नाव में सब ऋषियों संग तुम भी बैठ जाना, बच जाओगे महाप्रलय से बिल्कुल ना घबराना। तुमको बचाएंगे हम राजा महामत्स्य बनके, और हम सृष्टि का निर्माण कराएंगे फिर से। इसीलिए रूप मत्स्य कशिर विष्णु जी बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मिलकर सागर मंथन को आए, पीठ पे आपने विंध्याचल पर्वत को उठा लिया। सागर मंथन शेष नाग के सहयोग से किया, निकला लाहल विष तो भोले ने ही कंठ में थामा, लेकिन अमृत पीने को दोनों में हुआ हंगामा। मोह लिया दानव को आपने मोहिनी रूप बना के, तब जाकर दो हिस्से आया अमृत देवों के। बन के धर्म के रक्षक भगवान आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दानव हिरण्याक्ष ने जो सागर में धरा, शरण में आपके सभी देवता फिर तो है आए। रूप बनावर हाका धरती को वापिस है लाए, हिरण्याक्ष दानव को हरा देवों का रखा मान। वरना फैल रहा था बहुत ही दुनिया में अज्ञान, अपने दांतों बीच धरा को सागर से लाए। वर अवतार की देवता जय जयकार लगाए, दानव राक्षस कोई भी आगे टिक नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गया जब दानव हिरण्यकश्यप का अत्याचार, तप करके ब्रह्मा जी का पा लिया वरदान। कोई तुमको मार सके ना सुबह हो या शाम, रक्षा करने भक्त प्रहलाद की स्वयं प्रभु तुम आए।
नर और सिंह का रूप आप भगवान लिया बनाए। अपने हाथों उठाकर रख लिया दोनों जंघा पर, फाड़ पेट हिरणाकश्यप का दिया है फिर वध कर। जब भी पाप बड़ा धरती पर आप मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आपका रूप सातवा राम जी का अवतार, तुम ही मर्यादा पुरुषोत्तम होती जय जयकार। फिर अपनी दिखलाई है संग वीर हनुमान, शेष नाग अवतार लक्ष्मण निडर बड़े बलवान। चरण कमल से तारी अहिल्या झूठे बेर बिखाए, लंका जीत के माँ सीता को आप छुड़ा कर लाए। बना विभीषण लंकापति फिर किया भक्त उद्धार, राम नाम को जपने से होती है नैया पार। रामायण में आज भी कथा ये सुने ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाल है लीला इनकी देख रहा संसार, कोई माखन चोर कहे कोई नटखट छलिया, करते भाव विभोर बजाते जब ये मुरलिया। नाग कालिया आपके आगे नतमस्तक है हुआ, हुई कमर सीधी बुढ़िया की जो पैरों से छुआ। हुआ धर्म युद्ध जब कुरुक्षेत्र में पांडवों को जितवाया, मार के मामा कंस को आपने धरा से पाप घटाया। सच्चाई का साथ हमेशा आप निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अवतार बौद्ध धर्म की स्थापना करके खूब किया प्रचार, ऐशो आराम कभी प्रभु आपको रास नहीं आए। मानव जीवन चक्र देख कर आप है घबराए, वृक्ष के नीचे बैठ के आपने किया है तप भारी। साधु का वेश धारण करके लीला है नारी, नर नारायण लीलाओं को देख रहा संसार। ना जाने कोई माया प्रभु की बहुत ही अपरंपार, जगपालक और जगत पिता जगदीश कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप मिटाने हरि मेरे कई रूप में आते हैं,
सुनाते हैं। जय हे विष्णु भगवान, शक्ति तुम्हारी है महान। जय हे विष्णु भगवान, शक्ति तुम्हारी है महान। पाप बढ़े जब भी धरती पर, अंत हो अत्याचार, फिर तो कल की रूप में विष्णु जी लेंगे अवतार। धर्म की होगी विजय, फिर से पाप मिटाएंगे। श्री विष्णु जी बनकर कल की अब वो आएंगे। जो भी सुने महिमा इनकी, बढ़ता है उसका ज्ञान। श्रद्धा भाव से कर दी हमने इनकी आज बखान। सदा रहे हम सब भगवान तेरे चरणों के दास। हम सब भक्तों का बना रहे प्रभु आप पर विश्वास। भक्तों की नैया को विष्णु जी पार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप मिटाने हरी